safeguard the rights and interests of the consumers. ये बॉडी काम करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. अब इसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा आगे आएगा, इसको आपने याद रखना है. इट फर्दर प्रोवाइड स्पीडी एंड इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स. अब इस एक्ट के अंदर जो 2019 का एक्ट है 1986 के एक्ट से क्या डिफरेंस है कि स्पीडी डिस्पोजल के लिए अब इसके अंदर क्या कर दिया गया है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म तैयार कर दिया गया है. यानी कि जो भी हमारी मीडिएशन लोक अदालत वगैरह वो सारी इसके अंदर डाली गई है. लेकिन यहां पर बेसिकली अभी तक हमारा जो मैटर डिस्कस होगा और यहां पर प्रोवाइडेड है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स लिखा है. ऑल टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स क्या हो सकते हैं वो, मीडिएशन, लोक अदालत और आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, ठीक है, ये सारे आते हैं मैकेनिज्म रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स के अंदर, ADR मैकेनिज्म्स कहते हैं इन्हें हम. लेकिन यहां पर अभी अगर कंज्यूमर एक्ट की बात की जाए तो वहां सिर्फ और सिर्फ लिखा गया है मीडिएशंस. तो मीडिएशंस बीइंग एडवोकेट यू नो वेल, मीडिएशन सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी यू कैन. लेकिन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स अगर इंडिया की बात की जाए अभी तक आफ्टर फाइलिंग द कंप्लेंट है ओनली, वो मैकेनिज्म अलग है. इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आप यहां काउंसिल के पास हैं यू कांट गो फॉर दिस मैकेनिज्म, ADR मैकेनिज्म में नहीं जा सकते. हां यहां से डिस्टर्ब होकर आगे निकला काम, ये नहीं कर पाए सेटल डिस्प्यूट को, देन वी विल गो फॉर इन द कोर्ट. और कोर्ट के अंदर ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आप कह सकते हैं कोर्ट को कि सर माय केस शुड बी गिवन टू द मीडिएशन. जैसा कि सिविल क्रिमिनल और ऑल अदर टाइप ऑफ केसेस के अंदर अब ये प्रोविजन आ चुका है, सीपीसी के अंदर आया है. ओके तो रेजोल्यूशन के लिए जा सकते हैं. अब ये इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है नया, तो यहां पर काफी चीजें आई 1986 और 2019 के बीच. पहला काम क्या आया कि ई कंज्यूमर को इंट्रोड्यूस किया गया. सेकेंड, मीडिएशन को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है. अब तो दो हमारे पास नई चीजें आ गई हैं जो आज की बेसिक नीड्स थी, टू सेव द टाइम, टू स्पीडी जस्टिस मैकेनिज्म, ADR मैकेनिज्म. तो जाओ आप. ओके नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द अदर स्टेप, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंज्यूमर्स राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ये मैंने इकट्ठा ही कर दिया. ऑब्जेक्टिव वैसे हमने देख लिए ऊपर, लेकिन इसको और थोड़ा सा एलोबरेटली देखेंगे. क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं, डोंट थिंक कि सर बार बार आप रिपीट क्यों कर रहे हैं. आई एम नॉट इन द हैबिट टू रिपीट इट, बट फ्रेंड्स जब तक हम इसको हर एंगल से नहीं देखेंगे, बार बार इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि हम अपने एक्ट और कंडक्ट, मतलब अपने जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ जस्टिफाई कर पाएंगे. जितनी बार भी ये पिन अप होगा, जितनी बार भी ये वर्ड आएंगे, जितनी बार भी हम इसको रिपीट करेंगे, उतना ही हमारे दिमाग के अंदर ये फिट होता जाएगा. इसीलिए इसको आप रेपिटेशन समझ लीजिए, चाहे इसको किसी और एंगल से देख लीजिए, बट मुझे करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? कि एक बार सुनी हुई चीज वो एक बारी में ही हवा हो जाती है. बार बार सुनेंगे, अलग अलग एंगल से, अलग अलग संदर्भ में जोड़ कर देखेंगे, तभी वो बात हमारी क्लियर होती है. तो लेट्स गो, चीजें वही होंगी लेकिन थोड़ा सिस्टम अलग होगा. इसके अंदर कोई भी चीज है जो हमने ऊपर डिस्कस करी थोड़ा एलोबरेटली होगी. तो लेट्स मूव, ऑब्जेक्टिव एंड कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर एक्ट 2019. अब पहले क्या था, सेक्शन 207 था, अब क्या आएगा अंडर सेक्शन 29. पहले 27 था, अब 29 आ गया. देयर एग्जिस्ट 6 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स. 29 के अंदर 6 राइट्स हैं कंज्यूमर के, 6 राइट्स. लेकिन इस एक्ट के आने के बाद और चेंज हुई है, और चेंजेस आई है, देखते हैं आगे क्या होता है. तो सबसे पहले याद रखना कि जो राइट्स हैं कंज्यूमर के वो कहां डिफाइंड है, 2 clause 9 के अंदर. कंज्यूमर कहां डिफाइंड है, 2 clause 7 के अंदर. तो ये चीजें याद होनी चाहिए हमें.
कहीं भी काम आ सकती हैं। और ज्यादा अगर टेस्ट के काम नहीं आए फिर भी जो एकेडमिकली इस क्लास को देखेंगे, जो अभी पेपर्स दे रहे हैं लॉ के, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, वहां पर ये डेफिनेशंस आ सकती हैं। प्रैक्टिस में नहीं आएंगी कभी भी कोर्ट में, वहां तो हमें सिर्फ कंप्लेंट फाइल करनी है और अगले रेजोल्यूशन लेने हैं। लेकिन यहां पर 209 याद रखना है, 6 राइट्स हैं हमारे पास, पहले वाले लॉ में 6 राइट्स थे। आप आगे क्या होता है उसको देख लेते हैं। क्या राइट्स कंज्यूमर के, क्या राइट है? द राइट ऑफ द कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड, अच्छा यहां लाइन नहीं आ रही है इसलिए मैं थोड़ा बाहर नहीं आ रहा था, लेट्स सी, द राइट्स ऑफ कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हैजार्डियस एंड डेटरमेंटल टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सबसे पहले राइट क्या है कंज्यूमर का? He must be protected from marketing of goods, ऐसे सामानों के बेचने या ऐसी सर्विसेज को लेने से बचाना जो कि उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हैजार्डियस हो, खतरनाक हो या डेट्रिमेंटल हो, उसका बैड इफेक्ट होने वाला हो। कोई भी ऐसी चीज मार्केट में ना बिके ना सर्विस प्रोवाइड हो जो कि हैजार्डियस हो किसी भी कंज्यूमर की लाइफ के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए। पहला राइट ये है। दूसरा राइट क्या है? द कंज्यूमर, द राइट ऑफ द कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय बीइंग अवेयर ऑफ द क्वालिटी। अनट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या आता है? एक सामान की, एक सर्विस की क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंशियली प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह चीजें हमें देखनी है, इसके बारे में एक कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए जब भी कोई सामान बिक रहा है या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। एक तो सर्विस की या उस सामान की क्वांटिटी, क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी एग्जैक्ट होनी चाहिए, पोटेंशियल उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्योरिटी बिल्कुल सही जो लिखा है, स्टैंडर्ड बिल्कुल अप टू द मार्क जो वहां पर मेंशनड है, और प्राइस ऑफ द गुड्स, ये सारी चीजें, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर, प्रोटेक्ट करना है और अवेयर होना चाहिए, कौन? कंज्यूमर। थर्ड, द राइट ऑफ अ कंज्यूमर टू हैव एक्सेस टू ए वैरायटी ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एट कंपिटिटिव प्राइजेस। अब कंज्यूमर का एक ऐसा भी राइट हो गया है इसके अंदर कि वो वैरायटी को चूज कर ले, अमेजॉन से नहीं, फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट से नहीं, किसी और से, वो देख सके, उसके ऊपर बाध्यता ना हो कि नहीं नहीं आपको तो यहीं से खरीदना पड़ेगा, यहीं से आपको लेनी पड़ेगी चीज, अदरवाइज नहीं मिलेगी। नो, आई कैन टेक इट ऑन ओपन मार्केट, आई कैन टेक फ्रॉम ई कंज्यूमर ई कॉमर्स और बाय ऑनलाइन एट एनी स्टेज। हमारे पास एक्सेस होनी जरूरी है कंज्यूमर के पास गुड्स और सर्विसेज की कंपिटेटिव प्राइस के ऊपर। देखा ना आजकल आप देखते हैं होटल्स की भी, होटल लीजिए जी, इसके ऊपर ये रेट है, ओयो के ऊपर कुछ और है, कोई और जो जो भी है सर्विसेज, उनके ऊपर कंपिटेटिव मार्केटिंग रेट आता है, कोई भी ले सकते हैं। एयरलाइंस की बात है, बसेस की बात है, आप रेलवे की, रेलवे तो चलिए एक ही है अभी तक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट एनी हाउ टैक्सीज है, कुछ भी है, सर्विस प्रोवाइड हो रही है या सामान खरीदा जा रहा है, यू कैन गो फॉर कंपिटिटिव प्राइजेस। ओके, फोर, द राइट टू सीक रिड्रेसल एट रिस्पेक्टिव फोरम्स अगेंस्ट अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर ट्रेड मार्केट एक्ट है जो, उसके अंदर कुछ चीजें बताई गई कि ये अनफेयर होगी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और ये रिस्ट्रिक्ट करना है आप लोगों को, रिस्ट्रिक्टिव है। अगर उसके अंदर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर या सेलर कार्य करता है और किसी भी कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर लेकर, मतलब उसके खिलाफ कोई भी ऐसी चीज करता है अनफेयर हो जो ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर, तो उसके रिड्रेसल के लिए कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर एक्ट
आपकी सर्विस के लिए तैयार है. देस दैट इज द राइट. अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के रिडर्सल के लिए हमारे पास राइट है एक कंज्यूमर की हेल्थ से. फिफ्थ, द राइट टू रिसीव एडिक्वेट कंपनसेशन. अगर लगता है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस या किसी भी और तरीके से ये हुआ है, तो जो कंज्यूमर है वो क्या है, कंपनसेशन लेने का हकदार है. और कंसीडरेशन फॉर रिस्पेक्टिव कंज्यूमर फोन इन केस दे आर बीइंग रॉन्ग एंड बाय द सेलर. सिंपल, कोर्ट में जाइए, कंज्यूमर कमीशन में जाइए, अपना कंपनसेशन लीजिए. अगर वहां पर ये पाया जाता है कि अनट्रेड प्रैक्टिस हुई है या माल प्रैक्टिस हुई है या फिर जो कंज्यूमर